कल वो मुस्कुरा के गई थी, इसका मतलब क्या समझो? हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, 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 उस टाइम पे आप कहोगे तुरंत, आप एक्टिव जैसे मान लीजिए आपके किसी ने मारा, यहाँ पे किसी ने मार दिया ऐसे करके, तो आप वो पीछे से किसी ने आवाज दी तो आप तुरंत ऐसे एक्टिव मोड पे आ जाते हो। तो देखिए, नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करें तो नर्वस सिस्टम में सबसे पहले CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो अपन पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको ब्रेन समझा दिया प्लस स्पाइनल कॉर्ड समझा दिया। स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से मिलके जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब अपन सेकंड पढ़ेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है? बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए। सबसे पहले मैंने आपको ब्रेन समझाया, ब्रेन में आपको स्पाइनल कॉर्ड समझाई। ये कौन है? ये ब्रेन है। और ये कौन है? ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसमें 31 इधर होती है नर्व्स, इधर 31 इधर होती है, इसमें 12 इधर होती है और 12 इधर होती है। अब देखिए आप, इस जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है ये क्या होता है, 31 तो होती है स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स और 12 होती है ब्रेन की नर्व्स। तो ये दोनों मिलके जो नर्वस सिस्टम बनाती है, उसी को बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये वर्क कैसे करता है ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपका ब्रेन रेस्ट पे, ठीक है, आपका ब्रेन रेस्ट पे है और उस टाइम पर जो पूरा कंट्रोल है वो कहाँ पे चला जाता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के पास चला जाता है। देखिए CNS, जो CNS है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी कहीं पे बिजी है या रेस्ट पे है तो वो जो सारा कंट्रोल है वो किसको दे देगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को दे देगा। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, 31 जोड़ी और 12 जोड़ी जो मैंने आपको नर्वस बताए है ना, उन सब न्यूरोन से मिलके बना होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब आप समझिए, मान लीजिए आपका जो ब्रेन है और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है, अभी रेस्ट पे है। जैसे कि मान लीजिए कहीं खोए हुए हो, जैसे मान लो आप खोए हुए, अरे यार कल वो मुस्कुरा के गई थी, इसका मतलब क्या समझो? तभी किसी से आगे किसी ने आपको कह दिया हाँ, तो उस टाइम पे आप कहोगे तुरंत आप एक्टिव हो जाओगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए ब्रेन रेस्ट पे था, पूरा कंट्रोल इनको दे रखा था, तो ये क्या करती है, ऐसे तैनात रहती है कि अभी ब्रेन रेस्ट कर रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी, इनकी जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी है तो ये तैनात रहती है, तो कुछ भी होता है अब इनको समझ में तो आता नहीं किया हो रहा है ना, तो आप तुरंत चौंक जाते हैं, और चौंक जाते हैं तुरंत ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ब्रेन देखता है अच्छा मेरा दोस्त है ना, तो दोस्त है तो ब्रेन का सिर्फ सेरे पर हमें क्या बोलेगा, अरे शांत शांत शांत, तो ये वापिस से कंट्रोल इसके पास चला जाएगा। मान लीजिए रात में पीछे से मान लीजिए आपके किसी ने मारा, यहाँ पे किसी ने मार दिया ऐसे करके, तो आप पीछे देखोगे किसने मारा, अच्छा तू है, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रेन कंट्रोल कर लेता है वापस से, जैसे मारा तो अचानक से आप पीछे देखोगे, अब जैसे मारेगा आप पीछे देखोगे तो क्या होगा, ब्रेन कहेगा अच्छा अच्छा मिलने वाला है दोस्त है, आ जा कोई बात नहीं बैठ। लेकिन कोई मान लो जान पहचान का नहीं है तो तुरंत लगाओगे आप, तो भाई पूरा कंट्रोल अगर आप खो रहे हो, कुछ बिजी हो कहीं पे, तो पूरा कंट्रोल होता है किसके पास, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के पास। लेकिन तो ये क्या करती, तुरंत एक्शन लेती, और जैसे आप एक्शन लेते हो तो कुछ ही सेकंड के बाद पूरा कंट्रोल, जब भी ये जब वर्क करना स्टार्ट करती है तो कुछ सेकंड बाद पूरा कंट्रोल ब्रेन वापस से ले लेता है, सेरेब्रम वापस से ले लेता, तो फिर कहता अच्छा अच्छा दोस्त है कोई बात नहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए रात में आपको आवाज़ें आ रही है, आप अंधेरा कमरा है, आप बैठे हुए रात में आपको आवाज़ें आ रही है, आप बाहर से जो घुंघरू की आवाज़ आ रही है, पायल की आवाज़, तो आपकी हालत ख़राब है ना, तो आपकी हालत ख़राब है तो इस कंडीशन में क्या करोगे भाई? तो यहाँ पे अलग सिस्टम होता है, वहाँ पे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि अचानक से जो काम हो वो तो आएगा पेरीफेरल, लेकिन जो कंटिन्यू चल रहा है आप सोच भी रहे हो लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सिस्टम अलग होता है, उसको अपन आगे समझेंगे। तो ये समझ में आया आपको पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, भाई जो 31 जोड़ी नर्व्स है स्पाइनल कॉर्ड की और 12 जोड़ी जो नर्व्स है ब्रेन की, इन दोनों के पास जब कंट्रोल होता है, ये दोनों जो सिस्टम बनाते हैं उसको बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम।
है ना, इस टाइम पे क्या करता है ब्रेन कहीं बिजी होता है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो या आपका कहीं पे ध्यान नहीं, मान लो आप खो गए, अच्छा यार वो आंखें निकाल रही थी इसका मतलब क्या समझो, तो आप खोए वो पीछे से किसी ने आवाज़ दी तो आप तुरंत ऐसे एक्टिव मोड पे आ जाते हो। तो एक्टिव मोड पे कौन लेके आया आपको, स्पाइनल कॉर्ड लेके आया। क्यों लेके आया, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स हैं वो लेके आया। क्यों लेके आया, क्योंकि ब्रेन ने पूरा कंट्रोल इनको दे रखा था कि भाई मैं अभी रेस्ट पे हूँ, मैं बिजी हूँ, तो आप इनको संभालो जो भी हो रहा है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा।